जनाक्रोश यात्रा के समापन के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ब्योहारी पहुंचे, जहां उनका आदिवासी टोपी पहनाकर स्वागत किया गया। मंच को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार युवाओं के साथ छलावा कर रही है। जनसभा में राहुल गांधी जी की वेशभूषा में डुप्लीकेट राहुल भी दिखाई दिए। कांग्रेस के कार्यक्रम के समापन के बाद ब्योहारी विधायक शरद जगलाल कोल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी सहित समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है, 40 लोगों की हत्या हो जाती है, एमबीबीएस की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। खड़गे जी का, पार्टी का कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो या छोटा कार्यक्रम हो, सभी तो बहुतों ने आपको देखकर कुछ कंफ्यूजन नहीं हुआ लोगों को? कंफ्यूजन क्या, लोग राहुल जी के नाम से अचानक आप सामने आए और किसी ने बोला और राहुल भैया तो जाते ही हैं, एकदम से लोग समझते ही हैं कि ये अचानक से राहुल जी कहाँ से आ गए, तो फिर पास में आके बोलते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो फिर उनका बहुत दूर होता है उनकी। हाँ, और क्रमबद्ध तरीके से 400 और अभी भी लगभग 40% नाम आने बाकी हैं और जल्दी हुए हैं, सूचियाँ निकलेंगे। निश्चित तौर पर पार्टी जो विचार कर रही है अच्छा ही कर रही होगी, क्योंकि अगली बार जो है इस बार जो आंकड़ा है उसको पार करना है और 200 पार का जो नारा है उसको साकार करने के लिए पार्टी अच्छे से मनन करके बहुत अच्छे से निर्णय लेगी, ये हमको।